वेलकम टू गुल्ली स्टेसफुल किचन। आज हम एक यम्मी सा डिज़र्ट लेके आए हैं। सबसे पहले हम डाल रहे हैं कढ़ाई में थोड़ा सा पानी, और इसके बाद हम ये फुल क्रीम मिल्क इसमें 1 लीटर डाल देंगे। ये देखिए, हमने आधा बाउल जो है दूध वो अलग से ठंडा निकाल लिया है। अब बताऊंगी मैं उसका क्या करेंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया से हमने दूध डाल दिया है और उबलने के लिए हम इसको देख रहे हैं। थोड़ा सा पानी, मैंने अपनी ट्रिक में भी बताया है आपको, थोड़ा सा पानी नीचे डालने से पतीले में दूध नहीं लगता है। अगर आप उबाल रहे हैं या कढ़ाई में कुछ बना रहे हैं तो जरूर याद रखिए कि थोड़ा सा पानी जरूर डालें। ये देखिए दूध में जो है उबाल आना शुरू हो गया है। हम गैस को इस समय ना धीमा कर देंगे, थोड़ा धीरे कर देंगे और थोड़ा गाढ़ा होने तक ना इसको पकाएंगे। दूध जो है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए उस तक पकाएंगे। यानी देखिए आप कैसे उबाल आ रहा है, इसमें हल्की हल्की जो मलाई है वो आनी शुरू हो गई है। इसको आप थोड़ा साइड में करते जाइए और दूध को हमें गाढ़ा करना है। अभी दूध पतला है तो इसको धीमी आंच पे हम रख देंगे ऐसे ही उबलने के लिए। जब तक दूध बॉयल हो रहा है तब तक हम एक घोल बनाते हैं, जिसमें मैंने देखिए 2 टेबलस्पून तो लिया है मिल्क पाउडर। ये एवरीडे का मिल्क पाउडर था मेरे पास, और ये कस्टर्ड पाउडर 1 टेबलस्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया ना, टोटल 3 टेबलस्पून है। और ये लिया था मैंने दूध जो पहले ही कच्चा निकाल लिया था, 1 केजी में से ही मैंने 1/4 कटोरी दूध अलग से निकाल लिया था। अब हम करेंगे इसको इसमें मिक्स और इसको अच्छे से इसका एक घोल बनाएंगे। तो ये देखिए बढ़िया से ऐसे घोल बनकर तैयार है। हमने इसको अच्छे से लम्प फ्री बना लिया है। और इधर दूध को भी उबलते हुए 2-4 मिनट हो गई हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हमने लगाया है क्योंकि हम इसमें ये घोल डालने वाले हैं। तो हम एक तरफ से ये डालेंगे घोल जो हमने बना के रखा है, इसको निकाल देते हैं झारी को। और ये देखिए हम इसमें ऐसे डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, इसको चलाएंगे ताकि इसमें गांठे नहीं पड़े। और मैंने क्या किया है, इसको बिल्कुल सिम कर लिया है गैस को। ये देखिए बहुत ज्यादा तेज गैस पे हम नहीं इसको रखेंगे, अभी बिल्कुल सिम पर रखेंगे और इसको पूरे मिक्सचर को ऐसे डाल देंगे। गैस को थोड़ा तेज करेंगे और इसको उबाल आने तक ऐसे चलाते रहेंगे। यकीन मानिएगा ये बहुत टेस्टी डेजर्ट बनने वाला है। ऐसे हम इसको चलाते रहेंगे। बहुत मिनिमम चीजें जो भी घर में है उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। सबके घर में होता है कस्टर्ड पाउडर, दूध, चीनी, मिल्क पाउडर। तो ये जब तक इसमें उबाल आता है हम इसको चलाते हैं। मैं यहां आपको बताना चाहूंगी कि मैंने कस्टर्ड जो है 1 चम्मच और 1 टेबलस्पून और डाला है इसमें, ताकि जल्दी से गाढ़ा हो जाए और आपको डेजर्ट बनाने में जो ज्यादा टाइम ना लगे। तो यानी टोटल मिलाकर हमने 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है और 2 ही टेबलस्पून मिल्क पाउडर लिया है। तो इसको मिलाकर हम आज ये बना रहे हैं। इसको थोड़ी सी देर पकाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। और ये यम्मी सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंग्रेडिएंट्स डाल देती हूं, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। कुछ ही सेकंड हमने तेज गैस पे इसको ऐसे चलाया है और ये देख सकते हैं आप गाढ़ा हो गया है। जब आप तेज पे रखें ना तो आप लगातार अपना चलाते रहें अपने सामने। अब हम डालेंगे इसमें शुगर, चीनी, मैं 1/4 कप ले रही हूं, ये आधा कप है, इसका भी आधा है यानी 1/4 कप। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, कम लेते हैं तो कम ले सकते हैं। चीनी आप टेस्ट करके देख सकते हैं। तो जब तक ये पके, डिजोल्व हो, चीनी इसमें घुल जाए तब तक हमें इसे पकाना है, बाकी ये बिल्कुल तैयार है। देखिए जो चीनी है वो पूरी तरह से घुल गई है और दूध भी अच्छे से गाढ़ा हो गया है। ये देखिए बहुत अच्छा, और ठंडा होने के बाद भी ना ये गाढ़ा होता है। तो आप पेशेंस रखिए इसमें और इसको गैस को ऑफ करते हैं और हमारी ये रबड़ी जो तैयार है थोड़ी सी ठंडी होने की इंतजार करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए रबड़ी को हमने ठंडा कर लिया है।
ये जो हमने कस्टर्ड का मिक्सचर बनाया था ये इस तरीके से इतना गाढ़ा हो गया है। ये देखिए हमने जो है इसमें से कुछ ये कस्टर्ड थिक वाला कस्टर्ड ऐसे निकाल लिया है, इसमें से कितना अच्छा ये रबड़ी जैसे हो गया है। और ये लिया है मैंने केसर आम, इसका ना कलर बहुत अच्छा होता है, तो एक आम का हमने ये छोटे छोटे बारीक पीस कर लिए हैं और ऐसे गूदा निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब ये हमारे पास और कुछ नहीं करना है, ये मीठा है। और ये हैं कुछ भीगे हुए बादाम के फ्लेक्स जिनको हमने ऐसे काट लिया है, और ये देखिए कितना कलरफुल लग रहा है। अब बस इसको मिक्स करना है, असेंबल करना है। अब आमों का सीजन है, जो भी कोई आए आप जरूर ये टेस्ट कराइए। ये देखिए क्या कलर है इसका, ये पूरा जो पल्प है हमने आधा कप के करीब है ये हमने ऐसे मिला लिया है इसमें, देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। और ये आम की खुशबू, कोई आम का एसेंस और ये सब मिलाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में बहुत टेस्टी लगने वाला है। अब हम डालेंगे इसमें ये कुछ कटे हुए आम, कुछ हम गार्निश करने के लिए रखेंगे और कुछ काट देंगे, कुछ ऊपर से डाल देंगे कटे हुए। तो ये ले लिया है हमने आम, इसको भी हम कर देंगे मिक्स। ये देखिए कितना थिक ये बना है और खाने में तो लाजवाब निकल लगता है, जरूर ट्राई कीजिएगा। कुछ बादाम हम अंदर डाल देंगे और कुछ हम ऊपर से गार्निश करेंगे। तो आइए इसकी करते हैं हम प्लेटिंग। तो हमने ये इस बाउल में इसको डाल लिया है, सर्विंग डिश में इसको डाल लिया है। ये बहुत देखिए चारों तरफ से अच्छा लग रहा है। और अब हम करते हैं इसको गार्निश, आप जरूर ये ट्राई कीजिएगा, बनाकर देखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। तो ये देखिए काफी सारा मैंगो और ऊपर से हम ये डालेंगे बादाम, और ये कितनी बढ़िया डिश बनकर तैयार है। ये जो है मैंगो कस्टर्ड, बहुत यम्मी डिश, आशा करती हूँ आप जरूर बनाएंगे खाएंगे। आम का सीजन है तो जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।